सोलन की औद्योगिक नगरी चंबाघाट में स्थित एक लघु उद्योग में अचानक जोर से धमाका हुआ और वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूत्रों से पता चला है कि इस उद्योग में अचानक कंप्रेसर फट गया, उसकी चपेट में कुछ कामगार आ गए जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया जहाँ उनका उपचार चल रहा है। सोलन के औद्योगिक नगरी चंबाघाट में स्थित एक लघु उद्योग में अचानक जोर से धमाका हुआ और वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूत्रों से पता चला कि इस उद्योग में अचानक कंप्रेसर फट गया और उसकी चपेट में कुछ कामगार आ गए जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया जहाँ उनका उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंचे DSP प्रोवेशन गीतांजलि ठाकुर ने बताया कि उन्हें जैसे ही बालमुकुंद लघु उद्योग में कंप्रेशन ब्लास्ट होने की सूचना मिली, वे घायलों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिनका सोलन अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये घटना क्यों हुई और उसके क्या कारण रहे, ये जानने के लिए घटनास्थल का दौरा किया जाएगा और जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इस घटना का कौन जिम्मेदार है। ना बालमुकुंद लघु उद्योग से एक न्यूज अभी मिली थी, इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में जो कि पाइप्स बनाने का काम करते हैं, वहाँ एक कंप्रेसर जो है दैट बर्स्टेड और उसमें ये टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट है, ये बाद में पता चलेगा। बट देन इसमें 4 लोग इंजर हुए हैं, 3 लेडीज हैं, 1 जेंट है। एंड 2 लेडीज और 1 जेंट जो है वो उनको थोड़ी सी कम इंजरीज हुई हैं, बर्न इंजरीज हैं, एक्सरेज हो रहे हैं। और 1 लेडी जो है उनको काफ़ी सीरियस इंजरीज आई हैं, उनकी हेड पे इंजरी है, उनकी लेग्स पे इंजरीज हैं और उनकी आर्म्स पे इंजरीज हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से साइट पे जाएंगे चंबाघाट जहाँ पे ये फैक्ट्री है, एंड वहाँ से वी लेट यू नो कि एग्जैक्टली क्या फॉल्ट था, क्या डिटेल्स थी, वो बाद में पता चलेगी। जो लेडीज हैं वो हैं, एक है परमिला देवी, ये चंबाघाट की रहने वाली हैं, शी इज 38 ईयर्स ओल्ड। देर इज़ अनदर लेडी अनु, ये हैं धर्मपुर की रहने वाली, 28 ईयर्स की। और जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं वो हैं कश्मीरी देवी, ये हैं सुन्नी से। और 1 जेंट्स हैं इसमें, वो है संदीप कुमार, ये धर्मपुर से हैं और इनकी उम्र 55 ईयर्स। वहीं लघु उद्योग के MD राम कुमार बिंदल ने बताया कि कुछ समय पहले उनके उद्योग में आग लगी थी जिसकी वजह से उनका कंप्रेसर उसमें जल गया था। आज इस कंप्रेसर को ठीक कर उसकी टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन वे टेस्टिंग के दौरान ही फट गया जिसकी चपेट में 4 कामगार आ गए थे। उन्होंने अंदेशा जताया कि कंप्रेसर टेस्टिंग के दौरान शायद ज्यादा गर्म हो गया और फट गया होगा। 20 नवम्बर को हमारी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। 18 तारीख को इन्होंने बिजली डिपार्टमेंट ने अपना उसका 131 KVA की रिपेयर की थी। उसके बाद से जो फ्लक्चुएशन बहुत आई थी उसमें लाइट में, सारे शहर में थी, आ रही जा रही, कभी 300 वोल्ट कभी 150 वोल्ट, उसके कारण से फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग लग के शेड जल गया था, मशीनें ख़राब हो गई थी और उसको रिपेयर कर रहे थे पिछले, और उसमें हमने बहुत सारे नए पुर्जे मंगाए थे, बहुत भारी काम किया। तो आज टेस्टिंग कर रहे थे उसकी, जो कंप्रेशर है ये कितना चलता क्या चलता, और टेस्टिंग में फट गया, शायद हीटअप हो गया उसके, टेस्टिंग में फट गया और उसके बाद वर्कर को चोट लग गई। एक वर्कर जहाँ चोट लगी उसका नाम कश्मीरो देवी है, उसको टांग में चोट लगी है और बाकी तो नॉर्मल है, बिल्कुल थोड़ी सी चोट लगी, उनको तो पट्टी भी नहीं की गई, वैसे पेन किलर दे करके उनको रखा गया है।